दोस्तों, अगर आप भी जॉस बटलर की महेंद्र सिंह धोनी और सैम करन पर कही बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सैम करन ने जिस प्रकार की कल पारी खेली थी, अगर वो आपको पसंद आई हो और अगर आप क्रिकेट के वाकई में फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में बेल प्लेट सैम करन लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन सैम करन ने जिस तरीके की पारी खेली वो वाकई में लाजवाब थी। सैम करन ने 95 रन की अंतिम क्षणों तक लड़कर मैच जिताने को अपनी टीम की पारी खेली। हालांकि अंत में वो अपने लक्ष्य से चूक गए, लेकिन अंत तक अपनी टीम में जान बनाए रखी। इस पारी के बाद सभी लोग उनको महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर करने लग गए और महेंद्र सिंह धोनी के अंडर जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के अंडर खेलते हैं तो वो पिक्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे। और इस बात को और बल तब मिल गया जब खुद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कहा कि सैम करन ने जो पारी खेली उसमें महेंद्र सिंह धोनी की झलक दिखती है। कहीं ना कहीं चेन्नई की तरफ से खेलने का सैम करन को फ़ायदा मिल रहा है और महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल के अंडर, जी हाँ, उन्होंने ये शब्द कहे कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है और सैम करन इसी के अकॉर्डिंग बड़े प्लेयर बनते जा रहे हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की और कहा कि महेंद्र सिंह धोनी भी अक्सर मैच को क्लोज तक लेके जाते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं। हालांकि सैम करन कल जिता नहीं पाए, लेकिन उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी जॉस बटलर की बात से एग्री करते हैं और मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर रहने का उनको फ़ायदा मिला है सैम करन को, तो फिर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बेल प्लेट सैम करन लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वाकई में सैम करन ने जिस प्रकार की पारी खेली वो लाजवाब थी। इसके लिए क्रिकेट फैन होने के नाते एक कॉमेंट तो बनता ही है।